बिल्कुल दिखाई दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को रियलाइज हो रहा है कि ये बंदा अकेला चल रहा है, ये इतना आसान यात्रा नहीं है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में 14 दिन उनके साथ थी, मेरे स्टेट में वो आए थे, बहुत मुश्किल था। और सब लोग एक तो बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति अच्छे चीज के लिए निकल रहा है, तो असल तो हो रहा है। लेकिन गुजरात के अंदर कोई कामयाबी हुआ? नहीं, गुजरात का भी देखिए चुनाव के लिए चर्चा हम करेंगे तो ये अलग, हमारा विषय आज का ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के मुझे लगता है उसका असर होगा, क्योंकि एडजॉइनिंग स्टेट है और लोग बहुत होशियार हैं, लोग समझदार हैं, उसका फायदा जरूर होगा। लेकिन राहुल जी बोल रहे हैं कि हम उसका पॉलिटिकल कोई फायदा लेने के लिए कर नहीं रहे, हम उसका सिर्फ सोशल कॉज के लिए कर रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी यात्रा पर इस वक्त जब वो जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगे, तो क्या ये संभव है कि कांग्रेस के वो चेहरे जो कांग्रेस को छोड़कर चले गए हैं, क्या वो वापस कांग्रेस में आ सकते हैं? वो हम नहीं बता सकते, जो चेहरे छोड़ गए वो वापस आ सकते हैं कि नहीं, लेकिन कोई भी अगर आते हैं तो उनका स्वागत है, जाते हैं तो भी हमें क्यों रहा है, कांग्रेस में से होता ही रहता है। मैम, क्या हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी की दांडी मार्च से प्रेरित है? बिल्कुल, दांडी मार्च राहुल जी जब 26-27 साल के थे उन्होंने ये जो बताया, तो ही उनके मन में था कि मैं एक बार हिंदुस्तान घूमूंगा। अगर आपको याद है कि गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी बापू को बोला था कि अगर आपको हिंदुस्तान में राजनीति करनी है तो पहले एक बार पूरा हिंदुस्तान घूमो, और फिर उन्होंने थर्ड क्लास ट्रेन में पूरा हिंदुस्तान घूमा था, और उसके बाद में उन्होंने सूट निकाल के फेंक दिया था और धोती पहनी थी। हम उनको अपील करेंगे, चाहे क्षेत्रीय दल जो है, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, कि वो हमारे साथ जुड़ जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, लेकिन क्या महबूबा मुफ्ती से कोई बातचीत हुई है? फारूक अब्दुल्ला जी का हम स्वागत करेंगे, अभी महबूबा मुफ्ती जी से कोई बात नहीं हुई हमारी। हिमाचल में आपके मुख्यमंत्री का चुनाव होना था, उन्होंने कहा है कि वो पार्टी के अभी सभी विधायक, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो विधायक सब मिलकर अभी बैठ रहे हैं, आज तो वो कॉल लेंगे। जनवरी के दरमियान, लास्ट वीक ऑफ जनवरी डेट नहीं फाइनल। रजनी जी, जब से भारत जोड़ो यात्रा चली, मैंने देखा बीच में बहुत सारे चुनाव भी हुए, हिमाचल में आपने बहुत अच्छा कमबैक किया, पहले उनको और नाम दिए थे, अभी पागल बोलेंगे, उनकी मानसिकता तो हम नहीं बदल सकते, नैरेटिव सेट करते हैं ये, हम उनको कुछ जवाब नहीं देंगे। राहुल जी अभी उसका जवाब राहुल जी अभी देंगे, अपने भाषण में बहुत अच्छे से जवाब देंगे वो। और मैं आपको एक बता दूं, राहुल जी का इन सब यात्राओं में सबसे अच्छा भाषण जम्मू कश्मीर में होगा। 2024 के इलेक्शन से पहले बहुत से राज्यों में चुनाव है, आपको लगता है कि कांग्रेस उन राज्यों में वापसी करवाएगी? मैं आपको यही बोल रही हूँ कि ये कुछ बहुमत पाने के लिए या राजनीति करने के लिए यात्रा नहीं निकाले हैं, ये निकाले हैं सब लोगों को जोड़ने के लिए। उसका राजनीतिक फायदा क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर ऐसे होता तो गुजरात से हिमाचल से यात्रा निकालते थे, लेकिन वो वहाँ नहीं गए हैं, वो राजनीतिक कोई भी राजनीतिकरण उसका न करे भारत जोड़ो यात्रा का। राजनीति, आज आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया चीफ इलेक्टोरल अफसर के दफ्तर के बाहर और कहा जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होना चाहिए, क्योंकि अब सबमिशन कम्प्लीट हो चुकी है। आपसे जानना चाहूंगा कांग्रेस का मत क्या है, कांग्रेस कब चाहती है जम्मू कश्मीर में चुनाव का? हम इसके बारे में हमारी भूमिका पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए, लेकिन इसके पहले हमने ये बोला था कि जो अमित शाह जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बोला था कि पहले स्टेटहुड का दर्जा देंगे और फिर चुनाव कराएंगे, उन्होंने वो नहीं माना है, उनको स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए था, क्योंकि हमें भारत जोड़ने से पहले हमारे जम्मू कश्मीर के उन्होंने टुकड़े कर दिए, उसको उन्होंने जो स्टेट था उस स्टेट को तोड़ के उन्होंने उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसका दर्द हमारे इन लोगों को तो है ही, तो मुझे लगता है उसका पहले स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए।